बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एवन किचन में बन रहा है फ्रेंड टोस्ट, जिसका मीटर रोज भी बोलते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। बहुत बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें है, मैंने डबल रोटी ली है और कुकिंग ऑयल है, दूध हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा और फ्राइंग के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और चार अंडे और एक पिंच इसमें जर्दे का रंग, एक चुटकी बस जर्दे का रंग जाएगा, और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बालाई है, और ये आधे कप के करीब शुगर है, चीनी है, जो हम इसके साथ सारी चीज़ें बीट करेंगे। ये चार अंडे थे जो मैंने बीट कर लिए हैं। इसके साथ जाएगी चीनी हाफ, इसमें जाएगी ये एक पिंच एक चुटकी के करीब जर्दे का रंग, रही हूँ बालाई, जो आप चाहे वो फ्रेश मिल्क की ले लें, ताज़ा दूध की ले लें, या डब्बे के दूध की ले लीजिए। और लेंगे हम थोड़ा सा दूध, ये सारे सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इसमें चार अंडे हैं, हाफ कप के करीब दूध है, आधा कप दूध है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बालाई है, और चीनी है आधे कप के करीब। हमने बस तकरीबन तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डबल रोटी डिप करके और फ्राई करेंगे। अब हम ये फ्राई के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, बस इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा आपके। इसको हम करेंगे बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अक्सर मिलती रहे। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।